गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ में चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 11, ठीक है, चैप्टर्स नेम इज फ्रैक्शंस। इसके पहले भी अपन जो है इसको एक्सरसाइज को हम आगे कर चुके थे। फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? भिन्न। फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? भिन्न कहते हैं अपन इसको। तो इसका हमारा जो एक्सरसाइज एफ है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इनसर्कल द यूनिट फ्रैक्शंस। मतलब आपको यह बताना है कि जो इसमें यूनिट फ्रैक्शंस है उसके ऊपर आपको करना है सर्कल करना है। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं बेटा फ्रैक्शंस कितने प्रकार की होती है। तो अपन देखें बेटा फ्रैक्शंस लगभग चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी चार प्रकार की होती है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस, जो जनरली रूप से हम जिसको क्या करते हैं पढ़ते हैं। अब आपको सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए कि बेटा प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस कौन सी होती है और यूनिट फ्रैक्शंस कौन सी होती है। तो सबसे पहले अपन देखें बेटा प्रॉपर फ्रैक्शंस। सबसे पहले देखें बेटा अपन प्रॉपर फ्रैक्शंस, फिर समझेंगे बेटा अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, और लास्ट में देखते हैं बेटा अपन यूनिट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अपन देखेंगे बेटा पर प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है। देखिए बेटा सबसे पहले इसमें दे रखा है 2/7, 3/8, 5/9, 11/15, 6/9। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में देखते हैं अपन बेटा अपन 8/2, 9/3, 6/5, 11/3, 15/2। अब यूनिट मिक्स्ड फ्रैक्शंस में देखते हैं बेटा अपन
कितने जाएंगे बेटा 13, और नीचे की जो संख्या है डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो हम देखते हैं 3:1/4, 3 और 4 का आपस में इंटू करेंगे, जो इसका सम आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर रहता है उसको प्लस कर देते हैं। तो हमारा फ्रैक्शन, मैंने बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस में क्या होता है, जब उसकी सिंपल फ्रैक्शंस की जाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में जब उसके सिंपल फ्रैक्शंस करते हैं तो हमारा आंसर कायम आता है बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। और यूनिट फ्रैक्शंस की बिल्कुल सिंपल पहचान कि हमेशा उसमें न्यूमरेटर में क्या रहेगा, 1 1 1 1 1 रहेगा। जैसे 1/5, 1/10, 1/6, 1/8, 1/100, 1/7, 1/15। तो यहाँ आपको समझ में आया बेटा प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शंस, यहाँ आपको मैंने समझाया है। अब बेटा आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस और यूनिट फ्रैक्शंस। अब हमारी एक्सरसाइज एफ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन सर्कल द यूनिट फ्रैक्शंस। अब यहाँ पर जैसे 1/7, 2/7, 5/1, 1/100, 1/25, 36/1। तो बेटा यहाँ पर जो आपको यूनिट फ्रैक्शंस दिखाई दे रही है उसके ऊपर आपको क्या करना है, टिक करना है, सर्कल करना है। तो जैसे यहाँ पर रखा है 1/7, 1 हमेशा ऊपर रहेंगे, तो कौन सी फ्रैक्शंस रहती है, यूनिट फ्रैक्शंस रहती है। फिर यहाँ पर रखा है 2/7, बेटा ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस है या फिर यूनिट फ्रैक्शंस है। बेटा इसमें देख रहे हैं अपन न्यूमरेटर जो है छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए अपन ये कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शंस है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में अपन देख रहे हैं 5 जो है बड़े हैं और 1 जो है छोटे हैं, मतलब देख रहे हैं न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं 1/100, इसी प्रकार देख रहे हैं बेटा अपन 1/25। ये आपको समझ में आ गया बेटा, मेरा क्वेश्चन था कि जो हमारे को इनसर्कल द यूनिट फ्रैक्शंस, जो यूनिट फ्रैक्शंस थे उसके प्रमुख क्या करना था, सर्कल करना था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड टिक द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ हमारे से बोल रहा है दो प्रकार की फ्रैक्शंस दी है, प्रॉपर फ्रैक्शंस दी है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दी है। तो हमको क्या करना है, इन सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शंस है उसको अपने को करना है सर्कल करना है, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है उस पर राइट का क्या करना है, टिक करना है। अब यहाँ पर दे रखा है 19/17। अब यहाँ पर बेटा बताइए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है या प्रॉपर फ्रैक्शंस है। इस क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शंस बताना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बताना है। तो बेटा यहाँ पर 19/17 न्यूमरेटर छोटे हैं या बड़े हैं, बेटा इसमें जो है न्यूमरेटर बड़े हैं। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो कौन सी फ्रैक्शंस होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो कौन सी फ्रैक्शंस होती है, प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है। क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है इसलिए कौन सी होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो जिसके ऊपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है उसके ऊपर अपने क्या करना है, टिक करना है। तो इसके ऊपर अपन ने क्या करा है, टिक कर दिया है। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं 216/25। तो यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, बेटा ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है इसलिए इसके ऊपर भी अपन क्या करेंगे, टिक करेंगे। फिर इसके में दे रखा है सी में 19/37। अब आप बताइए न्यूमरेटर छोटा है या बड़ा है, जब न्यूमरेटर छोटा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शंस और न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो अपन देखें इसको सर्कल करना है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है। इसी प्रकार डी वाले में देखेंगे बटन 2/19। यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं बेटा न्यूमरेटर जो है छोटा है और डिनोमिनेटर जो है बड़ा है, तो न्यूमरेटर छोटा है इसलिए कौन सी फ्रैक्शन से, प्रॉपर फ्रैक्शन से। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं ई वाले में 160/97। यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है या बड़ा है, बेटा न्यूमरेटर जो है बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो कौन सी फ्रैक्शन आएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर अपने को टिक करना है। 13/11 में देख रहे हैं बेटा अपन कि जो है न्यूमरेटर छोटा है या बड़ा है, तो बेटा यहाँ पर अपन देखते हैं न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके ऊपर भी टिक करेंगे। 151/200, तो बेटा न्यूमरेटर छोटा है या बड़ा है, मैंने बताया था सिंपल पहचान है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। यूनिट फ्रैक्शन में तो अपन देख रहे हैं कितने,
कि भैया यूनिट फ्रैक्शन हमेशा वन ऊपर ही आते हैं, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं 151 अपॉन 200 कौन सी फ्रैक्शन आएगी बेटा, ये बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए इसको अपन क्या करेंगे सर्कल करेंगे। इसी प्रकार 26 अपॉन 27 न्यूमरेटर छोटा है या बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है इसलिए अपन देखते हैं बेटा ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। 49 अपॉन 6 न्यूमरेटर बड़ा है, कौन सी फ्रैक्शन होगी डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पर अपन देख रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए इस पर राइट करेंगे। 128 अपॉन 15 वो न्यूमरेटर छोटा है या बड़ा है, बेटा न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है इसलिए कौन सी फ्रैक्शन आएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे टिक करेंगे। 15 अपॉन 17 न्यूमरेटर छोटा है या बड़ा है, बेटा न्यूमरेटर छोटा है इसलिए इसको ये प्रॉपर फ्रैक्शन ले इसलिए इस पर सर्कल करेंगे। इसी प्रकार अपन लास्ट में देख रहे हैं बेटा 17 अपॉन 18 न्यूमरेटर छोटा है या बड़ा है, तो बेटा न्यूमरेटर अपन देख रहे हैं छोटा है तो इसलिए कौन सी फ्रैक्शन होगी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हम क्या करते हैं सर्कल कर देते हैं। तो बेटा इस प्रकार आपको समझ में आ गया बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ बेटा अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर हमारा जिसे हमारे को जो क्वेश्चन इसके पहले भी जो हमारा क्वेश्चन था उसमें अपन ने देखा था बेटा प्रॉपर फ्रैक्शंस देखा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था मैंने आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस बताया था जिसको कि आप देखते से पहचान कर लेते हैं। उसी प्रकार मैं अब आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शंस और सॉरी लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस है। तो अपन देखते बेटा कि लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस मालूम क्या है कि बेटा अपन देखते बेटा इनके डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए जिनके डिनोमिनेटर इक्वल, इक्वल का मतलब होता है एक समान, जिनके डिनोमिनेटर एक समान रहते हैं उसको बोलते हैं बेटा लाइक फ्रैक्शंस, और जिनके डिनोमिनेटर जो रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं मतलब अलग अलग प्रकार के रहते हैं उसे बोलते हैं बेटा अपन अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस मतलब समान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब असमान भिन्न, समझ में आया। जिनके डिनोमिनेटर इक्वल है वो लाइक फ्रैक्शंस, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है वो अनलाइक फ्रैक्शंस। अब यहाँ पर जैसे देखा 5/7, 3/4, 1/9 और 6/7, तो अपन के डिनोमिनेटर बेटा ऊपर वाली संख्या को बोलेंगे नीचे वाली संख्या को बोलेंगे, बेटा डिनोमिनेटर नीचे वाली संख्या को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा 7 है, 4 है, 9 है, 7 है, तो बेटा इनका डिनोमिनेटर आपको इक्वल दिख रहा है या डिफरेंट दिख रहा है जल्दी से मुझे बताइए, आपको इनके डिनोमिनेटर इक्वल है या डिफरेंट है। तो बेटा डिनोमिनेटर आपको क्या दिख रहे हैं डिफरेंट दिख रहे हैं इसलिए कौन सी चाहिए बेटा ये अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं बेटा 8/3, 5/4, 11/8 और 19/16। फिर अपन बात वापस करते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल है या डिफरेंट है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है और यहाँ पर 16 है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है इसलिए ये कौन सी हो जाएगी ये भी बेटा अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएगी। ठीक है इसी प्रकार अपन देख रहे हैं बेटा 3/7, 4/7, 2/7, 1/7 और 5/7। अब यहाँ पर देख रहे हैं सभी में डिनोमिनेटर कैसे हैं इक्वल है, डिनोमिनेटर कैसे बेटा इक्वल है, तो यहाँ पर कौन से हो जाएगी बेटा इसको बोलेंगे बेटा अपन लाइक फ्रैक्शंस। इसको बोलते हैं बेटा अपन लाइक फ्रैक्शंस। इसी प्रकार देख रहे हैं बेटा अपन डी वाले में 1/9, 3/9, 2/9, 5/9 और 4/9। तो यहाँ अपन देख रहे हैं बेटा सभी में डिनोमिनेटर कैसे है इक्वल है, अलग अलग है क्या, जब इक्वल है इसलिए कौन सी फ्रैक्शंस आएगी बेटा लाइक फ्रैक्शंस। फिर नेक्स्ट है 3/1, 3/4, 3/7, 3/5, 3/9। तो बेटा इसके डिनोमिनेटर कैसे है इक्वल है या डिफरेंट है, डिनोमिनेटर बेटा इसमें अपन देख रहे हैं डिफरेंट है इसलिए कौन सी हो जाएगी बेटा अनलाइक फ्रैक्शंस। इसी प्रकार बेटा अपन देखा है 2/6, 2/3, 4/1, 2/5 और 3/4 में डिनोमिनेटर फिर कैसे है बेटा डिनोमिनेटर कैसे है डिफरेंट है इसलिए कौन सी फ्रैक्शंस आ जाएगी ये अनलाइक फ्रैक्शंस।
तो बेटा ये आपको समझ में आ गया है, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस जो है वो आपने समझ लिए हैं। अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। यहाँ पर बेटा हमको क्या दे रखा है, कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दी गई है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमको करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमको मिक्स्ड फ्रैक्शंस किस प्रकार बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 9/4, 7/2, 3/2, 11/7, 35/11 और 8/3 ये दे रखा है बेटा। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो 9 है 9 को किससे डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है बेटा 1, कॉन्टेंट कितने है इसके तो 2, तो हमारी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी 2 डिवाइड बाय जो बेटा रिमाइंडर रहता है इसको हमेशा क्या करते हैं बेटा अपन ऊपर लिख देते हैं और डिवाइड किससे क्या था इसको 4 से, तो हमारी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी 2:1/4। समझ में आ रहा है ना बेटा, जो 9 है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा क्वांटिटी कितना आया 2 आया, रिमाइंडर कितना है बेटा अपने पास 1, तो अपन लिखेंगे 2:1/4। इसी प्रकार बेटा देखा दे रखा है यहाँ पर 7/2, तो हम क्या करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे 7 को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना है बेटा मेरे पास 1 और डिवाइड क्वांटिटी कितना है बेटा मेरा 3, तो अपन क्या लिखेंगे डिवाइड का ऐसे क्या था बेटा अपन ने इसको 2 से क्या था, क्वांटिटी कितना हमारा 3, हमारी रेशो फ्रैक्शंस क्या होगी 3:1/2। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है इसमें देखते हैं 3/2, 3 को कैसे डिवाइड करेंगे बेटा अपन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा मेरा 1, तो हमारी फ्रैक्शंस क्या होएगी 1:1/2, मतलब 2 1 जा 2, 2 में 1 प्लस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 3। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं बेटा 11/7 को देख रहे हैं, 11/7 को देखेंगे, 11 को कहाँ से डिवाइड करेंगे बेटा अपन 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, 11 में से 7 माइनस करेंगे मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, तो बेटा सबसे पहले जो रिमाइंडर रहता है उसको ऊपर इधर लिख देते हैं, डिवाइड का ऐसे किया है 7 से किया है, कितने टाइम से डिवाइड हुआ 1 टाइम से डिवाइड हुआ, तो मेरी फ्रैक्शंस क्या होगी 1:4/7। इसी प्रकार बेटा दे रखा है 35/11, 35 डिवाइडेड बाय 11, 11 से डिवाइड करेंगे 35 को, 11 1 जा 11, 11 2 जा 24, 11 3 जा 36, 36 फिर बड़े हो जाएंगे तो इसलिए 11 2 जा 24, 5 माइनस 4 कितने बचेंगे 1, 3 माइनस 2 1, तो हमारा फ्रैक्शंस कैसी होगी बेटा 2:11/11, मतलब 11 2 जा 24, 24 में 11 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा 35/11। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं 8/3, 8 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना है 2, क्वांटिटी कितना है 2, फ्रैक्शंस कैसी हो जाएगी, सबसे पहले अपन ने डिवाइड किससे किया 3 से किया, क्वांटिटी कितना है मेरा 2, रिमाइंडर कितना है 2, तो मेरा जो रिमाइंडर रहता है उसको ऊपर लिख देते हैं, क्वांटिटी को सामने लिख देते हैं, समझ में आ रहा है ना बेटा। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समाप्त हुआ।